You are watching Poonch Live. गुज़िश्ता रात पूंछ के हाथीथान बाजार में एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर सर्विसेज के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक शॉप में रखा लाखों का सामान खाक हो चुका था। देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। नहीं जी, उस दुकान से धुआं हूं आ रहा है ना। यही गया ना धुआं उधर। मोहम्मद इशफाक सर, पता नहीं मुझे ऊपर रहते हैं, मास्टर रहते हैं, उनने फ़ोन किया तो 10-15 मिनट में जितने में पूछा, पहले फायर सर्विस यहाँ पे पहुँची हुई थी, तो जब हम यहाँ पे मौके पे आए तो वो शटर ऊपर ताला काट के उन्होंने शटर थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था, उसके बाद और शटर ऊपर किया तो फिर फायर सर्विस ने आग जो है वो उसको बुझाया। ये रेडीमेड गारमेंट्स, ये 2:20 या दो बजे के बीच की बात है, इसी टाइम बिल्कुल लॉस है। टोटल देखो अंदर बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, टोटल लॉस है। मोहम्मद इखलाक, ये मेरी दुकान है, सामने मेरी दुकान के सामने रेडीमेड की दुकान है ये, इसको जिस वक्त आग लगी इनके ऊपर मास्टर जी रहते हैं, वो नीचे आए, उन्होंने मुझे जगाया कि ऐसे ऐसे दुकान को आग लगी, अंदर से धुआं आ रहा है। फिर हम दोनों यहाँ से ऊपर गए, CIP वालों को बताया, वो भी हमारे साथ आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी आई कोई 2:40 पर, फिर उन्होंने आके ताला वगैरह काटा तो फिर पानी डाला तो तब वो आए। बिजली की शॉर्ट सर्किट है। मोहम्मद शेर, ये हम तो अभी पहुँचे हैं, लेकिन रात को ये सारे मार्केट वाले आ गए थे, फायर सर्विस भी आ गई, आग बुझाई है, लेकिन दुकान का टोटली ब्लास्ट हो गया है, कम से कम 40-50 लाख रुपए का लॉस हो ही गया टोटल।